तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा कर एंड यू आर वाचिंग फूडी ब्रदर्स है। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले अल्बेट एक्सप्रेस। तो गाइस हम लोग में जो हम लोग की चैनल की फर्स्ट वीडियो थी, तो गाइस हम लोग वहाँ पे जा चुके हैं, फर्स्ट वीडियो वहीं पे गए थे। तो गाइस हम ये फिर से जाने वाले हैं क्योंकि यार उन्होंने हमको स्पेशली कमेंट किया था कि क्योंकि आपने हम लोग की फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था, उसमें लाइक्स भी बहुत अच्छे थे और व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने हमको कमेंट किया, थैंक यू बोला था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि आप फिर से आइए, हम आपका अच्छे से स्वागत करेंगे। तो गाइज लास्ट टाइम हमने बर्गर ट्राई किया था, तो इस बार हम जाएंगे तो कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करेंगे और फ्रेंच फ्राइज ट्राई करेंगे। गाइज मैंने ऐसा नहीं कि हम दो साल के बीच में गए नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो हमारी थी 2 साल पहले, तो हम बीच बीच में गए। तो गाइज वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस भी हो गए, आपको दिखाते हैं। चलो वीडियो में आगे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि गाइज आने वाली वीडियो आपको देखनी है। तो चलते हैं अपनी लोकेशन पर। तो यार गाइस मेरा दोस्त का घर यहीं पे है, तो मैं उसको लेने आया था, तो वही टाइम लैप्स की वीडियो बना रहा, क्योंकि यार कैमरा मैन मेरे पास था नहीं। तो बने बनेगा वीडियो में आगे। तो गाइस हम आ चुके हैं, तो चलते हैं, आपको बताते हैं बहुत चेंज हो चुका है, हम पहले भी आए हैं तो बताते हैं आपको बहुत अंदर चेंज हो चुका है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है यहाँ पे, और बहुत अब तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ तो बहुत चेंज हो चुका है। पहले से जब 2 साल पहले आए थे तब हमने यहाँ पे बर्गर खाया था, अगर मैं तो कोल्ड कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज का आपको रिव्यू देने वाले हैं। हम फिर से आ चुका है, दूसरी बार देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत चेंज हो चुका है। पहले 2 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो टेस्ट करके बताते हैं और कैसा है, आगे वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली नई वीडियो को भी आपको देखना है। तो गाइस आप देख सकते हो इन्होंने हम मैं दूसरी बार में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये हमसे इतना खुश है क्योंकि यार लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था हम लोगों को। तो इन्होंने पर्सनली मैसेज किया कि फिर से आइए, तो हम फिर से आए, तो उन्होंने मैंने बर्गर ऑर्डर भी नहीं किया, उन्होंने खुद बर्गर दिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ से। मैंने कोल्ड कॉफी और फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर दिया था, तो थैंक यू अल्बेट एक्सप्रेस कि हमको इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए एक। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ बर्गर का टेस्ट, मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं फिर से आपको बता दूंगा कि 2 साल पहले का बताया था, अब थोड़ा सा टेस्ट हो सकता है अलग हो गया। मैं बताता हूँ, पहले मैं कॉफ़ी का टेस्ट करके बताता हूँ आपको। भाई मतलब बहुत टेस्टी कॉफ़ी है, जैसे यार मतलब स्टारबक्स तो नहीं है, लेकिन ये ब्रांड जो है ना, ये स्टारबक्स से कम भी नहीं है। मैं अगर बोला ना आओ तो मैं कहूँगा कि आप अल्बेट एक्सप्रेस में ज़रूर, क्योंकि बहुत टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी है। और मैं आपको अब फ्रेंच फ्राइज और बर्गर का टेस्ट करके बताता हूँ। तो गाइस मैं खा के देखता हूँ, गाइस टेस्टी है, एकदम फ्रेश है, बस थोड़े से ठंडे हो गए क्योंकि मैं रिव्यू दे रहा था, तो हो सकता है उस वजह से ठंडे हो गए हो, लेकिन टेस्टी तो है और एकदम क्रिस्पी है, जो सबको अच्छा लगता है। और गाइस एक और मैं फिर से कहता हूँ, कोल्ड कॉफ़ी हमारे पूरे गोला में आपको ऐसी कोल्ड कॉफ़ी नहीं मिलेगी एक और जगह, लेकिन वहाँ पर भी इतनी अच्छी कोल्ड कॉफ़ी नहीं होती है, थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन टेस्टी भी उस हिसाब से है गाइस, और फ्रेंच फ्राइज भी बहुत टेस्टी है। अब आपको मैं बर्गर का टेस्ट लेके दिखाता हूँ, स्माइल भी देख के बनाया है बिल्कुल एक अच्छे से। गाइस एक बात तो है, मैंने पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो हमने नॉर्मल बर्गर बनाया था, अब वो बहुत टेस्टी है। पहले उसको तो हम चीज़ बर्गर मंगाते थे, नॉर्मल बर्गर नहीं मंगाते थे, ये नॉर्मल बर्गर है, बट गाइस ये भी बहुत टेस्टी हो गया है। पहले थोड़ी मेयोनीज कम थी, अब मेयोनीज ज़्यादा कर दिए उन्होंने, तो मुझे डिफरेंस अभी भी याद है। तो गाइस टेस्टी तो है, कुछ भी कहो, आप आओ तो अल्बेट एक्सप्रेस, तो पूरा पैसा वसूल गया यहाँ पे यार। गाइस मतलब प्रेफर करूँगा ही करूँगा कि आप गोला हो तो अल्बेट एक्सप्रेस ज़रूर आओ। देखो गाइस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, बस थोड़ी सर्विस में देरी रहती है, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया हमको, और उसकी तारीफ भी क्या करूँ गाइस, इसके लिए बस एक ही शब्द है नाइस। गाइस यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ट्रीट बहुत अच्छे से किया, क्योंकि हमने फर्स्ट भी बनाई थी, हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिली, हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन गाइस बहुत टेस्टी है, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री से छटके। गाइस अगर मैं बर्गर खरीदता तो मैं फिर से तारीफ करता, क्योंकि गाइस बर्गर की प्राइस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि ठीक ठाक है, नॉर्मल प्राइस है बर्गर के हिसाब से, बहुत टेस्टी भी है गाइस बर्गर। तो मैं प्रेफर करूँगा आप यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड कॉफ़ी तो ज़रूर गाइस, कुछ भी कहो सब हटके गाइस कोल्ड कॉफ़ी आपको ज़रूर पीनी चाहिए। और थर्ड बर्गर, चाहे चीज़ बर्गर लो, चाहे नॉर्मल बर्गर ले लो, चाहे जिंजर चीज़ बर्गर ले लो, कोई बर्गर ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन टेस्टी बहुत है गाइस, और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और टेस्टी है, आपको बहुत मतलब कि बहुत ही टेस्टी है गाइस। थोड़ी सी सर्विस ठीक ठाक है, मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि लेट है, ठीक ठाक है, और उस हिसाब से टेस्ट भी, जितना सर्विस भी थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन उस हिसाब से सर्विस
टेस्ट भी है उनका यहाँ का। तो गाइस मैं तो कहूँगा ज़रूर हो यहाँ पे अलबेक एक्सप्रेस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट ऑल्सो द वीडियो, क्योंकि गाइस मैं वीडियो में थोड़ी मिस्टेक कर देता हूँ, तो कमेंट करो और बताओ नेक्स्ट वीडियो